मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार। ऑलराइट बाइकर्स, तो ये वीडियो होने वाली है कि भाई जो अभी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो अपने फेवरेट मोटो व्लॉगर्स को देखते हैं, तो ये जो चीज है ना, ये सबको पता है, बट कोई भी बाइकर, कोई भी आपका फेवरेट मोटो व्लॉगर ये आपको बताना नहीं चाह रहा है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मेक श्योर आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में बहुत ही सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा है, कमेंट्स आए हैं, तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऑलराइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलो बात करते हैं कि भाई एक यूट्यूबर, अगर आप भी एक YouTube चैनल बनाने वाले हैं, तो एक क्रिएटर क्या होता है, एक आर्टिस्ट क्या होता है। क्रिएटर पैसे के लिए नहीं भागता, आर्टिस्ट भी पैसे के लिए नहीं भागता। वो भागता है आप जैसी जनता के लिए, जो होती है उसकी ऑडियंस। शाहरुख खान को शाहरुख खान किसने बनाया? ऑडियंस, पब्लिक ने उसको बनाया, क्योंकि भाई एक्टिंग तो सभी करते हैं ना। इंडस्ट्री में कितने हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने क्रिएटर्स हैं, लेकिन हर कोई शाहरुख खान क्यों नहीं है? आप जैसे लोगों का प्यार है जो उनको उस ऊपर तक लेके आया है कि वो आज शाहरुख खान है। तो जैसे ही कुछ मोटो व्लॉगर्स होते हैं, जैसे हमारे बाबू भैया हो गए, जयसपा जी हो गए, काफ़ी लोग हो गए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस ने उनको इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है, तो आज वो जाके उस उपाधि में बैठे हुए हैं। तो आपको तो जैसे पता होगा कि रिसेंटली हमारा पिछला ईयर और अभी भी सबसे ज़्यादा गूगल में अगर छाए हुए मोस्ट सर्च्ड पर्सन है, तो वो है एंड्रयू टेट। तो एंड्रयू टेट कौन है? एंड्रयू टेट के साथ ऐसा क्यों हुआ कि आज वो जेल में है, या उसको इतना नीचे दबाया क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने जो बात कही है, वो ये कहा है उसने कि With your time and your life. वो लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है कि आपको अपनी ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी है, गवर्नमेंट जॉब या जॉब नहीं करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, दिन रात अपना मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। A lot of the problem with people, especially in the world today, is they misunderstand the difference between a dream and a plan. And nothing good in your life is ever going to happen by accident. कि भाई 30 साल की उम्र में आपको एक सुपर कार खरीदनी है, जॉब में वो आपको 50-60 साल में भी नहीं मिलने वाली। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, वो जॉब छोड़ रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, यही सब में सब लोग डूबे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट जो कुछ लोग हैं जो रैट रेस के ओनर है, जो ये दुनिया चला रहे हैं, उनको ये बात गलत लगी, तो आज उस बंदे को दबाया जा रहा है। आज इंस्टाग्राम में भी उसको ब्लॉक कर दिया है, सब पीछे लग गए, उसको दबाव डाल दिए हैं। किस बेसिस पे? वो आता है ब्रेन वॉश। तो ये जो टर्म है ना, ब्रेन वॉश, यही आपका टाइटल में भी आपने देखा है। तो अगले 8 मिनट में आपको ये ब्रेन वॉश का जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, सारी चीज पता चल जाएगी। तो चलो बात करते हैं हमारे बाबू भैया और UK07 राइडर के बारे में। तो जो ये यूट्यूबर है, अभी अभी अपने लाइफ में एकदम टॉप पे है, वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोटो ब्लॉगर उनको कहा जाता है। लगभग 4 मिलियन के पास उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो कई लोग हमारे पिछले पोस्ट में कह रहे थे कि मैं उनको छपरी बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे, मैंने कहीं UK07 का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डाला और कुछ नहीं, सिर्फ टाइटल डाला है छपरी क्रिएटर वर्सेस असली क्रिएटर, छोटी सी फोटो। तो देख रहा हो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कंटेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटल और थंबनेल ने आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, और उनके हैशटैग कर्मा जो पीपल हैं तो वो आके वहाँ कमेंट करना चालू कर दिए हैं। तो भाई ने बोला करने का तो करने का। इसी बात को लेके मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी। मैं खुद उनको फॉलो करता था, उनके कॉन्टेंट देखता था, क्या क्रेजी सिनेमेटिक्स, डेली लाइफ स्टाइल, बाइक, सारी चीज़ बढ़िया चल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ, जब उनने ZX10R वगैरह ली, फिर उसके बाद बाइक को रैप करना स्टार्ट किया, रैप गंदा लगा, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आपका बाइक का रैप तो गंदा है, इसको हटवा लो। तो उनको ये माइंड में आया कि बाइक का रैप खराब था, फिर भी व्यूज़ तो जा रहे थे। फिर उसके बाद उनको एक चीज़ ये समझ में आ गई, जो आप लोग को नहीं समझ आई, कि वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, इसलिए सारी बाइक्स में आप देख रहे हो ऊटपटांग हो रहा है। इतनी अच्छी मस्टैंग आई थी, उसमें भी ऊटपटांग रैप हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कल को मैं आपको बोलूंगा कि यार तू ये टी शर्ट नहीं पहना कर, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो तुम तो अगले दिन नहीं पहन के आओगे ना। बट अगर कोई एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको सब लोग कमेंट में कह रहे हैं वो गंदा है, फिर भी वो वही चीज़ कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? कभी ये सोचा है? अरे देवा, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई उसको कंट्रोवर्सी में रहना है। आप उसको शेयर करोगे, हंसोगे, ये देख ये कैसा बंदा है, ये क्या क्या रैप किया है इसने, ये देख, तो सब उसकी प्रोफाइल खुलेंगे, वेबसाइट में ट्रैफिक होगी, व्यूज आएंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में वो बूस्टअप मिलेगा, उसे शेयर करेंगे, उसकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? मज़ा आया।
बट वो कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी इज द की फॉर यूट्यूब आज के समय में। एमिवे बंटा है, रफ्तार, इन दोनों में क्लैश हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी, कौन आगे गया? एमिवे जो किसी को कोई नहीं जानता था वो आज रफ्तार से भी ऊपर कमा रहा है ना। इवन आपके घर के सामने भी अगर कोई मर रहा होगा ना तो आप उसको नहीं देखने जाओगे, लेकिन घर के सामने अगर लड़ाई हो रही होगी, गाली गलौज हो रहा होगा, तो झुंड लगा के सब लोग खड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद आती है। तो ये हमारे जो बाबू भैया हैं, उनने ये चीज़ पकड़ लिया कि भाई ऑडियंस टारगेट कैसे करना है कंट्रोवर्सी करके। इसलिए पहले उनके आप व्लॉग देखो, डीएसएलआर से बिल्कुल सिनेमैटिक सारी चीज़ें शूट होती थी, एकदम एंटरटेनिंग व्लॉग था। आजकल ये होने लगा है कि पब्लिक रिएक्शन, क्यूट गर्ल रिएक्शन, पुलिस ने बाइक पकड़ा, सीज किया, जैसे आप मेरे को बोल रहे हो कि थंबनेल में आपने उसकी फ़ोटो लगा दी है और छपरी उसको मत कहो। तो भाई सब लोग बंदे यही कर रहे हैं, थंबनेल में बाइक में पुलिस के साथ लगा दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं बाइक सीज। पर कभी बाइक सीज हुई है उस वीडियो में? उस बाइक में पुलिस भी नहीं आ पाती, बस एक स्क्रीनशॉट आ गया कि पुलिस ने मुझे पकड़ा ये वो, और आप लोग वीडियो खोल के व्यूज देते हो, अंदर कुछ नहीं रहता है, अंदर सिर्फ चलता है एक स्टोरी टेलिंग। आपने मेरी पिछली वीडियो क्यों देखी इतने अच्छे से? क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग चल रही थी, अच्छी एडिटिंग चल रही थी। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग चल रही है, मैं आपको स्टोरी प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसे ही होता है न्यूज चैनल भी, वो तड़कता भड़कता मसाला दिखाते हैं, ऑडियंस अपनी तरफ कैच करते हैं। तो ये सब करने से अनुराग भाई के सब्सक्राइबर्स तो बढ़ गए, व्यूज तो बहुत बढ़ गए, पैसे तो खूब कमाने लगे, जो कि उनका हक है, उनने मेहनत की है, उनने ये चीज की पॉइंट पकड़ा है कि भाई इंडिया के पीपल को या किसी के इमोशन को हम कैसे ट्रिगर करें, क्या करें। जेएस बाजी हो गए, राइडर गर्ल विशाखा हो गए, और भी जितने ट्रैवल व्लॉगर हैं, मैं खुद जब मैं ट्रैवल करता था जीटी से, या इन लोग सब ट्रैवल करते हैं, एक अच्छी स्टोरी कैप्चर करते हैं तो उस पे व्यूज नहीं जाते, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में बन गया है क्या मोटो व्लॉगिंग है, मतलब हमें रोड रेज करना है, हमें सुपर बाइक देखनी है, हमें लाउड एग्जॉस्ट देखना है, रिएक्शंस देखने हैं। तो रिएक्शन से मतलब अभी देख रहे हो UK07 के आने से क्या हुआ कि जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जो अभी मार्केट इतना गंदा हो गया है, प्रो राइडर वजेंड और जो अभी शायद हाल ही में ड्रैगर्स, ये रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। मतलब ये कोई कॉन्टेंट इसको कहेंगे कि ये आप एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हो किसी के कान के बाजू फुल सिस्टम एग्जॉस्ट थ्रॉटल दोगे तो वो तो पलट के देखेगा ही नहीं, चाहे वो गाली दे आपको, फिर भी आप उसका फेस दिखाओगे और व्यूज लोगे। तो ये कोई कंटेंट है क्या? ये इंडिया रिप्रेजेंट करेगा कि मोटो व्लॉगिंग इंडिया में कैसे होती है? ये होती है। तो इससे क्या बन रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो ये सिर्फ कंटेंट है, इसी पे व्यूज जा रहे हैं। जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो बंदा जीटी चला रहा था, मैं अपना नहीं और भी लोग है, जो बंदा ड्यूक 200 में है, RS 200 में, जिसके पास नहीं है पैसा, वो प्लैटिना चला रहा है, तो उसका लोग वीडियो क्यों ही देखेंगे? चाहे वो हजार गुना क्वालिटी उसके अंदर रखा होगा, तो इंसान उसको क्यों देखेगा? और क्यूट गर्ल रिएक्शन क्यों नहीं देखा? आप ही बताओ। अच्छा, मैं आपके सामने ये 6 इमेजेस डाल रहा हूं, तो आप बताना कि आपकी नजर किस पे सबसे पहले जा रही है। बताओ बताओ, गई ना लड़की पे नजर? गई ना? इतने बड़े मोदी साहब वहां खड़े थे, इतने बड़े लोग मैंने वहां लगा रखे थे, पर आपकी कहां गया आई कॉन्टेक्ट? सीधे लड़की के पास गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और बात करें बाबू भैया के इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको भी एक वीडियो दिखाता हूँ, ये रील देख रहे हो और ये रील देख रहे हो, तो इसमें से आपको क्वालिटी कंटेंट कौन सा दिख रहा है? ये लेफ्ट वाला दिख रहा है कि राइट वाला दिख रहा है? ईमानदारी से चूज करना, ठीक है? चूज कर लिया? अब देखो व्यूज इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों? मतलब क्वालिटी आपको समझ में आ रहा है, एक फ़ोन से रिकॉर्ड है, एक भाई पूरा प्रोडक्शन टीम लगी है, एडिटिंग लगी है, कैमरे महंगे इक्विपमेंट लगे हैं, टाइम लगा है एडिट करने में, हाँ, और एक सिर्फ फ़ोन से इंस्टाग्राम का फिल्टर से रील बना दिया, उसका बूस्टअप ज़्यादा है, एप्स की इंगेजमेंट ज़्यादा है, ये नहीं है, तो ऐसा क्यों? अगर आप देखो वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर आपको ऐसे कर रहा है कि जब उसको कोई भी बाइक लेनी है तो वो आप लोग के इमोशंस से खेल रहा है। H2i नहीं है, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, H2 के हर थंबनेल, H2 की फोटो हर थंबनेल में। फाइनली गाइज H2 लेने का सोच रहा हूँ, फाइनली H2 की प्लानिंग चल रही है, फाइनली H2 को मैं बुक करने जा रहा हूँ, फाइनली H2 आने वाली है, फाइनली H2 आ गई, और उसके बाद वीडियो देखेगा फाइनली नई H2 के साथ ये क्या हुआ। तो ये कोई कंटेंट है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 7 दिन में मान के चलो उसके अप्रॉक्स 14-15 मिलियन व्यूज आ गए हैं, 14-15 मिलियन, मतलब वो कम से कम
12-15 लाख रुपए कमा चुका है सिर्फ यूट्यूब से, बीच में स्पॉन्सरशिप भी डाल दिया, 20-22 लाख रुपए डाल दिया, मतलब उसको बाइक लेने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वो क्लिकबेट और थंबनेल और टाइटल देख के और अंदर कुछ भी दिखा के आपसे वो 20-22 लाख रुपए ले रहा है, फिर बाद में एक बाइक ले आ रहा है, तो ये हो जा रहा है कॉन्टेंट। तो ये उसका दिमाग है ना जो ये कर रहा है। तो यही बात है ना, जब आपके पास इतना पैसा, इतना इक्विपमेंट, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना सारा ऑडियंस है, इतना आपके पास फैन बेस है, मतलब आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छा कॉन्टेंट दें, हफ्ते में एक डालें। क्यों बीबी के वाइन्स इतना अलग कॉन्टेंट दे रहा है, क्यों इतने देर देर हर्ष बनीवाल एक अलग ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, महीने महीने गायब रहते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आते हैं हम सीधे कंक्लूजन पे। तो जैसे मेरे कुछ ब्रांड्स हैं, मैं इंटरनेशनल मार्केट में टचवुड कॉर्ड लॉक है मेरा, मॉन्स्टर फेयरिंग है और हमारा मोटो कार्ड है, ये मैं इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप ले चुका हूँ। मैं जानना चाहा कि आप इंडिया मार्केट में क्यों स्पॉन्सरशिप नहीं आती, तो उनका भी सीधा यही जवाब रहता है कि इंडिया में हम लाना तो चाहते हैं बट वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ ऐसे राइडर्स नहीं है। और वाकई में अब सर्च करके देख लो सुपर बाइकर इन इंडिया, बिना राइडिंग गियर्स के पहन के घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ ली, ये रिएक्शन, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो ब्रांड कभी ये चाहेगा कि मेरा प्रमोशन ऐसे हो? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था भाई, आप ऑडियंस ही हो जो आर्टिस्ट को ऊपर उठा सकते हो, नीचे गिरा सकते हो। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। अगर अब मैं बोलूं मेरे पास क्वाड लॉक का स्पॉन्सर आता है और भाई के पास जंगली रबी का आता है, फिर द बेस्ट प्लेटफॉर्म गाइस जहां पर आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सबको क्यूट गर्ल रिएक्शन चाहिए, सबको तड़कता भड़कता मसाला चाहिए। और अगर बात करें मेहनत की, तो यार मैं भी जहां यहां बैठा हूं ना, मैंने कम से कम 650 वीडियोस डाल चुका हूं मैं, आप जाके देख सकते हो। किसी में भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कार्तिक भाई ने इसमें क्वालिटी में मेहनत नहीं की है, उंगली गवाई है, कितनी सारी चीज़ें मेहनत की है इस जगह पे पहुंचने के लिए। मेरा कभी ये नहीं आया कि मुझे नहीं पता क्या कंटेंट बनाना है, मुझे बस कैमरा लेके रोड पे निकल जाऊं, कुछ भी होगा उसका स्क्रीनशॉट लूंगा, थंबनेल डाल दूंगा, टाइटल डाल दूंगा और हो गया। बस यही मुझे बताना था, आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नो हेट ओनली लव, और क्वालिटी कंटेंट को प्लीज सपोर्ट करो। और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। मेक श्योर अब आप क्वालिटी कंटेंट को ही प्रेफर करोगे।